नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर वन यूट्यूब चैनल डीजे हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। नई सरकार को आते ही लेना होगा लोन, 2700 करोड़ लिमिट बकाया, इसी महीने करना है ऋण लेने का फैसला। हिमाचल में 8 दिसंबर को मतगणना के बाद आने वाली नई सरकार को आते ही लोन उठाने पर फैसला लेना होगा। इसकी वजह यह है कि दिसंबर महीने के लिए 2700 करोड़ लोन लेने की लिमिट बकाया बची है और सरकार को भी अपना काम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। यही वजह है कि नई सरकार आते ही इस बारे में फैसला लेगी। दरअसल भारत सरकार ने इस साल की 31 दिसंबर के लिए 9700 करोड़ की लोन लिमिट स्वीकृत की है और इसमें से 7000 करोड़ राज्य लोन चुका है। अब 31 दिसंबर से पहले 2700 करोड़ में से लोन लिया जा सकेगा। यही वजह है कि 8 दिसंबर को नई सरकार के सामने आने के बाद लोन उठाने पर फैसला होगा। इसके बाद जनवरी से मार्च तक इस साल की आखिरी तिमाही के लिए भारत सरकार से लोन की अलग से अनुमति आएगी। इन 3 महीनों के समय में भी राज्य सरकार को करीब 2700 करोड़ लोन और लेना होगा, तभी नई सरकार की नई कैबिनेट लोगों को खुश करने वाले फैसले ले पाएगी। नई सरकार राज्य के कर्मचारियों को लंबित 7% महंगाई भत्ते की एक किस्त देना चाहेगी। राज्य का वित्त विभाग भी इसी की तैयारी कर रहा है। ये भी संभव है कि नई सरकार वेतन आयोग के एरियर की अगली किस्त पर कोई फैसला ले सकती है। यही वजह है कि वित्त विभाग को अपने कोषागार में धन का इंतजाम रखना होगा। नवम्बर के आखिरी हफ्ते में भारत सरकार से GST कंपनसेशन के तौर पर 226 करोड़ आए हैं और उसके बाद अब लोन से आने वाले पैसों का इंतजार है। 8 दिसंबर की मतगणना के बाद सरकार चाहे कांग्रेस की आए या भाजपा की, दोनों ही दलों ने कर्मचारी और समाज के अन्य वर्गों को राहत देने के लिए वादे चुनाव घोषणा पत्र में कर रखे हैं। इन वादों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और ये पैसा सिर्फ लोन के माध्यम से ही आ सकता है। वित्त विभाग को इसे दिसंबर महीने में लोन की बकाया राशि में से धन लेना होगा और इसकी अनुमति नई सरकार से ही मिलेगी।